नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक सोनी। तो मैं आप सभी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो अब सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत ही मजेदार व्हाट्सएप ट्रिक के बारे में, जो कि डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन है, जो कि दोस्तों व्हाट्सएप ने कुछ टाइम पहले लॉन्च किया है। इसकी मदद से आप व्हाट्सएप में मैसेज को डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही कमाल का फीचर है। तो इसी के साथ में व्हाट्सएप ने एक टाइम पीरियड भी बांध के रखा है कि भाई आप 7 मिनट के अंदर अंदर ही किसी मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए कि आपका मैसेज किसी और के पास पहुंच गया, यानी कि गलती से पहुंच गया है, और आपको 7 मिनट बाद पता चला है कि ये मैसेज इसके पास नहीं जाना था, दूसरे के पास जाना था। तो आप उस टाइम पे डिलीट फॉर एवरीवन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके 7 मिनट पूरे हो चुके हैं। उसी के लिए आज की ये वीडियो लाया हूं आपके लिए। तो आप जरूर देखिए कि आप 7 मिनट बाद भी मैसेज को डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे की वीडियो को आप लगातार देखते रहिएगा दोस्तों। अगर एक भी पार्ट मिस कर दिया तो आप नहीं जान पाएंगे कि व्हाट्सएप का मैसेज 7 मिनट के बाद भी कैसे डिलीट होता है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने किसी भी मैसेज को आप 7 मिनट के बाद कैसे डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आप ला सकते हैं अपने फोन में। तो उसके लिए मैं आपको जो सिंपल सेटिंग बताता हूं वो आपको करनी है दोस्तों। सबसे पहले क्या है कि आपको देखना होगा कि वह मैसेज कितने टाइम पर भेजा गया, यानी कि कब भेजा गया। ये मैसेज मेरे भेजा गया 8:41 पर, मेरे ये मैसेज सेंड किया गया है दोस्तों, और अभी हुए हैं 5:57। तो जो कि ये मैसेज था दोस्तों, ये था मैसेज कल का। तो आपको पता ही होगा कि व्हाट्सएप में 7 मिनट के बाद मैसेज डिलीट नहीं होते। तो ये मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आपका जो कि इंटरनेट कनेक्शन है वो आपको डिसेंबल करना होगा, और फिर आपको जाना है होम पेज पर, और आपको रिसेंट एप्स में भी एप्स को हटाना है, और फिर जाना होगा आपको सिंपल सेटिंग में। और जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ये एप्लीकेशन या एप्स करके। तो इसमें जाने के बाद दोस्तों आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा व्हाट्सएप, इसी में आपको जाना है। तो इसमें जाने के बाद एक ऑप्शन दिखाई देता है फॉरेस्ट स्टॉप का, जो कि ये वाला है, इस पे आपको क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। तो इतना करने के बाद आपको दोस्तों आपको जाना है फिर डेट एंड टाइम में, जो कि ऑटोमेटिकली टाइम और डेट सेट है, तो आपको इसको डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद जो कि आप, यानी कि वो मैसेज कब भेजा गया था, वो मैसेज भेजा गया था 41 मिनट पर भेजा गया था, हम इसको 42 कर लेते हैं, जो कि था पीएम था वो इतना, और जो कि डेट थी वो डेट लगा देते हैं, यानी कि वो मैसेज भेजा गया था कल की डेट में। तो इतना मैंने कर लिया दोस्तों, और इसी को रिसेंट पैसे हटा देते हैं। तो मैं वापस से अपना जो कि व्हाट्सएप है वो चालू करता हूँ, और मैं व्हाट्सएप में आ चुका हूँ। और देखिए दोस्तों, मैं इस मैसेज पर क्लिक करता हूँ, और ये जो कि डिलीट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करूंगा, तो मुझे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिलीट फॉर एवरीवन, जो कि ये मैसेज है अब वो सारों के लिए, यानी कि जो जिसको मैंने भेजा था उसके लिए भी अब डिलीट हो जाएगा दोस्तों। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए परमानेंटली डिलीट हो चुका है, और इसका मैं डेटा कनेक्शन है वो ऑन कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये मैसेज परमानेंटली डिलीट हो चुका है, यानी कि सामने वाले ने अभी तक नहीं देखा या देखा है तो उसी के पास ये नोटिफिकेशन चला जाएगा दोस्तों। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत बहुत पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव या कोई राय है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों अपना बहुत ही कीमती समय मुझे देने के लिए।